भगवान श्री कृष्ण जी के मोर पंख धारण करने की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। मोर पंख कान्हा जी के साथ रहने की एक बड़ी वजह उनका राधा जी से उनका अटूट प्रेम है। राधा जी के महल में ढेर सारे मोर थे और जब एक बार श्री कृष्ण जी की बांसुरी पर राधा जी नृत्य करने में मग्न हो गई, तब मोर भी मदमस्त होकर नाचने लगे और एक मोर का पंख नाचते हुए नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण भगवान ने इस पंख को उठाकर अपने माथे पर सजा लिया। मोर पंख को उन्होंने राधा जी के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण जी को मोर मुकुटधारी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार मोर पंख को सुख एवं दुख का भी प्रतीक माना जाता है। जिस तरह से जीवन में सुख और दुख के कई रंग होते हैं, वैसे ही मोर पंख भी कई रंगों में होता है। ये मोर पंख बताता है कि जीवन के रंग को जैसा हम देखते हैं वैसा ही दिखता है, यानी दुखी मन से हर रंग बेरंग लगता है, लेकिन मन प्रसन्न हो तो हर रंग छटक नजर आता है। इसलिए अपने नजरिए को बदलकर एवं इस संदेश को समझकर जीवन को आसान बनाया जा सकता है।